किसानों के सम्मान में तथा उनकी आय दोगुना करने के उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में भारत के निवासी को ही लाभ मिलेगा। भारत में रहने वाले किसी भी प्रदेश के किसान को इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया कि जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम की खेती वाली जमीन है उसी किसान को इसका लाभ मिलेगा। इससे अधिक जमीन रखने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। डीएम ने बताया कि इस योजना के लिए सरकार ने छोटे सीमांत किसानों को ही चुना है ताकि गरीब लाचार किसान को उनका हक सम्मान मिल सके। उन्होंने कहा कि किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। जिसके पास नहीं होगा उसे योजना का लाभ लेने के लिए पहले बैंक में अकाउंट खुलवाना होगा। सरकार ने छोटे सीमांत किसानों के परिवार को योजना का लाभ देने के लिए कहा है। परिवार में पति पत्नी एवं नाबालिग बच्चे हों तो उस एक परिवार के पास कुल 2 हेक्टेयर से कम जमीन होगी तभी उसको योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया कि प्रधानमंत्री सम्मान योजना के अंदर ये तो वैसे आप जानते हैं 24 तारीख को यहाँ से ही लॉन्चिंग किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी। यहाँ तो हम लोग 5 लाख परिवार जो किसान परिवार का हम लोग 2000 के हिसाब से हम भेज रहे हैं। अब तक 3.5 लाख लोग का हम लोग फीडिंग करा चुके हैं, बाकी लोग का फीडिंग हो रहा है। अभी फर्स्ट राउंड में करीब तो 60,000 लोग का पैसा अपने खाता में पहुँच भी गया है, बाकी प्रोसेस चल रहा है। जो यहाँ तो हम लोग का लक्ष्य है 5 लाख किसान परिवार का जो ये इस योजना के अंदर यानी जो सीमांक किसान होते हैं उन्हीं लोग का हम पैसा भिजवाने के काम 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। हम लोग ये सभी किसान को ये फायदेमंद रहेगा। सर, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को योजना किसानों की जानकारी भी नहीं है तो उसके लिए क्या लेखपाल या किसी अन्य अधिकारी लगाया है? इस पे पूरे टीम हमारा काम कर रही है। तहसील का लेखपाल लगे हुए हैं, सचिव लगे हुए हैं, ग्राम स्तर का जो कितने कर्मचारी है सभी लोग इसी काम में लगे हुए हैं। किसी के इसी के बारे में जानकारी लेना है तो आप अपने नज़दीक ब्लॉक में जाके जानकारी ले सकते हैं, अपने लेखपाल से पूछ सकते हैं और सेक्रेटरी से पूछ सकते हैं। इसका फार्म एक मिलता है, एक डिक्लेरेशन देना होता है, अपने डिटेल भरा करके अपने संपत्ति का और जो उसका ज़मीन का विवरण लिखते हुए एक डिक्लेरेशन एक घोषणा पत्र साथ देना होगा। उसके बाद अपने आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल दे दें। हम लोग इस समय में एंट्री चल रहा है, हम लोग फीडिंग करा के उन लोगों का वो उसी योजना के अंदर यदि पात्र होते हैं तो उनको फायदा पहुंचाते हैं। सर, किस तरह के लोग पात्र होंगे सर? इसमें 2 हेक्टेयर के नीचे जो ज़मीन वाले हैं सीमांक किसान हैं वो पात्र होंगे। परिवार का परिभाषा दिए हुए हैं उस पर, खासतौर पर जो माइनर लड़के हों और जो मतलब पति पत्नी और माइनर बच्चे हैं ये एक परिवार का होते हैं उन्हीं लोगों को एक फ़ायदा मिलेगा।